एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में गाजर से बनी हुई क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ये एक स्किन लाइटनिंग और एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है। इस क्रीम को लगाने से आपके चेहरे पर से दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक स्पॉट और आपकी ऑलमोस्ट सारी स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इस गाजर की क्रीम के अंदर वो सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर, ग्लोइंग और क्लियर बनाने में मदद करते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गाजर का जूस। और गाजर का जूस बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक गाजर ले रही हूँ और उस गाजर को मैं छील रही हूँ एक पीलर की मदद से। यहाँ पर मैंने सिर्फ गाजर के छिलके को उतारा है और गाजर को अच्छे से छीलने के बाद मैं यहाँ पर गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ, यानी कि ग्रेट कर रही हूँ। और अच्छे से गाजर को ग्रेट करने के बाद अब हम इस गाजर को एक स्ट्रेनर में डाल के, यानी कि छन्नी में डालकर इसका सारा रस निकाल लेंगे। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप किसी जूसर में भी गाजर का जूस निकाल सकते हैं, बट मैं एक गाजर के लिए जूसर को पूरा गंदा नहीं करना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया। और गाजर का जूस निकालने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए अब गाजर की क्रीम बनाते हैं। और गाजर की क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच गाजर का जूस ले लीजिए। फिर हमें उसके बाद चाहिए विटामिन ई ऑयल, और अगर आपके पास ये वाला तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या इसकी कैप्सूल्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद हमें चाहिए ग्लिसरिन, और अगर आपके पास ग्लिसरिन नहीं है तो आप बादाम का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच ग्लिसरिन इसमें डाल रही हूँ। ग्लिसरिन डालने के बाद हमें चाहिए नारियल का तेल, और याद रखिए कि ये नारियल का तेल आप पहले फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो जम जाए और फिर उसको यूज़ कीजिए इस क्रीम को बनाने के लिए, क्योंकि हमें इस क्रीम के लिए जमा हुआ नारियल तेल चाहिए। और यहाँ पर मैं 1 बड़े चम्मच जमा हुआ नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिला रही हूँ ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने। और सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं, जो कि 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। और यहाँ पर मैं रेडीमेड एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपके पास प्योर एलोवेरा जेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल डालने के बाद आप फिर से एक बार इसको बहुत अच्छे से मिला लीजिए। और सारे इन्ग्रीडियंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी होममेड कैरेट क्रीम, यानी कि होममेड गाजर की क्रीम रेडी है। और वो कुछ इस तरह दिखेगी। ये क्रीम बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी, क्रीमी, सॉफ्ट, स्मूथ और लम्प फ्री होगी, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे स्टोर किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को स्टोर करना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और आप इस क्रीम को 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को कैसे यूज़ किया जाए बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए। तो इस क्रीम को इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा अपने स्किन पर लगाना है, और आप इस क्रीम को अपने फेस पर या अपनी फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से लगाकर इसको 10 से 15 सेकंड के लिए अपनी स्किन पर मसाज कीजिए, और इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप इस क्रीम से बेस्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको ये क्रीम दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी होगी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी इजी और इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।